हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सैलून में अपना हेयर कट करवाने। तो इंडिया आने के बाद मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अब क्योंकि हमें एंगेजमेंट में जाना था तो मैंने सोचा चलो मैं अपने हेयर कट वगैरह करवा लेती हूँ। और ये स्टार चुपके से मेरा वीडियो ले रही थी, वरना इसका वीडियो बनता ही नहीं, तो उसने बस रैंडमली जाके वीडियोस ले लिया मेरा हेयर कट का। हे एवरीवन, सो पैकिंग इज़ ऑल डन जाने के लिए। स्टार लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या कर रही है, क्या ढूंढ रहा है। यस, जेवियन के लिए बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ रही है, तो ये बैग में उसके एक्टिविटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं ना, तो इसलिए जेवियन के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें रखे इसके अंदर। और ये हमारा पूरा पैक हो चुका है, हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, सैटरडे एंगेजमेंट है, एंड संडे वी आर गोइंग टू बी बैक। बट इतना सामान है, और ये सिर्फ हम तीनों का सामान है। ओवरफ्लो कर रहा है ये सारी चीज़ें, बिकॉज 2 दिन के लिए पहले ही जाओ, लेकिन सब चीज़ें लेके ही जानी पड़ती है, तो 2 दिन के हिसाब से। ओके, सो स्किन केयर, हेयर केयर, एंगेजमेंट के ड्रेस, एक्सेसरीज, ये वो, ड्रेस ही आधा भर चुका है, वो कपड़े, जेवियर का ब्लैंकेट जो बहुत जरूरी है, टॉवल और बहुत सारी चीजें। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए बैग ओवरफ्लो कर रहा है। बट क्या करें, देयर इज नो ऑप्शन। चप्पल, हमारे हैवी चप्पल, मेरी चप्पल ने तो आधा बैग ही घेर लिया है। सो चप्पल, ये सब, तो सब पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। हमारी 3:30 को हमारी ट्रेन है, 3 घंटे लगेंगे हमको वहाँ पहुँचने में। एंड 3:30 की ट्रेन है, तो 7 o'clock तो होटल में पहुंचना चाहिए। वी आर गोइंग टू होटल। मैं पूरा व्लॉगिंग करने वाली हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। यस, तो पूरा व्लॉग करने वाली हूँ, होपफुली देखते हैं कितना बनता है। बट पैकिंग हो चुकी है और हम लोग का खाना भी रेडी हो चुका है लेके जाने के लिए, तो हम लोग खा के नहीं जा रहे। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ, मैंने मसाला राइस बना दिया फटाफट, तो ट्रेन में बैठ के हम लोग उसको खा लेंगे। तो मैंने मसाला राइस बना दिया क्योंकि अभी तो भूख नहीं लगेगी, ट्रेन में बैठेंगे और फिर मसाला राइस खाएंगे। तो राइस भी बन चुका है, ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है, सारा कुछ, गैजेट चार्ज करने रखा हुआ है, मेरे फ़ोन, ये वाला फ़ोन, सारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है। ये भी चुका है, देवी नहा दो के रेडी हो चुका है। हेलो मामा, चम नहा रहे, से हेलो, से हेलो, से हेलो, से सब्सक्राइब नहीं बोलेगा। ओके चलो गाइस, अभी ना रेडी होके मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस स्टार हो चुकी है रेडी, सबसे पहले स्टार रेडी हो चुकी है, कपड़े भी पहन लिए एंड बाल वाल भी बन गए। ओके, और जेवियन यहाँ पे लिख रहा है, उसको मैं अभी तैयार करूँगी। हमारा खाना वाना पूरा पैक हो चुका है, ये पानी है, ये हमारा खाना है, ये हमने थोड़ा चिकन करी रखा हुआ है, बाकी बस अभी ये सब रख देंगे एंड वी आर ऑल सेट। हो रहा है 1:40, अराउंड 2:30 के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। ओके चलो। हे एवरीबॉडी, वी आर ऑल सेट टू लीव, और हम लोग हो चुके हैं रेडी। स्टार ने तो बैग भी टांग लिया, पता नहीं अभी से दो बैग, 2:10 हो रहा है एंड वी आर ऑल सेट। ये हमारे बैग्स रेडी हो चुके हैं, ये एक सूटकेस है, ये एक बैग है, मम्मी डैडी का सामान है, इसमें हमारा सामान है, ये एक बैग है, इसमें खाना है, इसमें लैपटॉप और बाकी सारी चीज़ें, आई डोंट नो क्या है। स्टार ने और एक बैग ले लिया। जेबी, वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू चूचू। नो, चूचू, चूचू ट्रेन। यस, चूचू ट्रेन। चलो भाई अब हम निकलते हैं ना, फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, और तो यहाँ पे टाइम से पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुके थे। हमारे घर से 10 मिनट्स की दूरी पे ये स्टेशन, तो हम जल्दी आ गए थे और हम आके ट्रेन का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्यों बैठा नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इन द मीन टाइम स्टार ने चॉकलेट वगैरह भी ले लिया था, उसको पता नहीं ट्रैवलिंग में चॉकलेट खाने की बड़ी क्रेविंग होती है, तो यहाँ पर उसने मिल्की बार लिया और जेवियन को वाइट चॉकलेट दे के बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और जेवियन जैसे ही स्टेशन के पास आ गया, उसको खांसी वासी होने लग गई, मतलब ऐसा जो एटमॉस्फेयर रहता है ना, उसमें उसको अलग ही लेवल की खांसी शुरू हो जाती है।
फिर आप देख सकते हैं स्टेशन वगैरह ज़्यादा एम्प्टी था, इतना कोई था नहीं। आफ्टरनून का टाइमिंग था ना, तो हम लोग बस अपना ट्रेन का वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ट्रेन आए तो हम चढ़ के बैठ जाए, क्योंकि गर्मी से हम लोग की हालत ख़राब हो रही थी। रेलवे स्टेशन सर पे क्या लोग क्या कहते हैं ना, तो ये जो है ना, ये शबरीमला यात्रा जाने के लिए लोग, इतने सारे लोग हैं यार, बहुत लोग हैं। ये सब ट्रेन से आ रहे हैं कि कोई ट्रेन के लिए जा रहे हैं? कोई ट्रेन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ये सब काले कपड़ों में, मैंने उनको हमारे साथ आती, बहुत सारे लोग हैं ना। Yes. जैसे लोग हज पे जाते हैं ना, वैसे यहाँ के केरला के हिंदू लोग जाते हैं शबरीमला, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो सीजन है ना ये टाइम पे जाते हैं। अच्छा। देखो यहाँ से कितने सारे लोग निकल रहे हैं, तो वैसे काले कपड़ों में काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, हमने लास्ट मोमेंट में टिकट बुक किया था, तो हम लोग ने नॉर्मल कंपार्टमेंट में बुक किया था, हमारे पास सीट सारे अवेलेबल थे, तो बस टू एंड हाफ आवर्स का जर्नी था, तो हमने सोचा चलो प्लेजेंटली निकल जाएगा। बट टू आर सरप्राइज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब नॉर्मल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, ऊपर से रश इतनी ज़्यादा थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे, क्योंकि मैंने कहा था ना वो कुछ पिलग्रिम सीज़न चल रहा था करके, बहुत सारे पिलग्रिमाइट्स थे जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेन में रश और कियोटिक जैसा माहौल हो गया। उसको उस तरफ उसको भी बिठाओ, देवी और स्टार मिलके थोड़ी देर बाहर देख के बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने कहा था ना हम लंच लेके आए थे क्योंकि हम कुछ भी खा के नहीं आए थे, तो मैं और जेवियन एक तरफ बैठ के हम अपना मसाला राइस खा रहे थे, मम्मी और स्टार अलग बैठ के खा रहे थे, डैड खा के आए थे करके उनको नहीं खाना था, तो हम लोग ने अपना लंच वगैरह खा लिया। और उसके बाद जेवियन बोर होने लग गया, उसको बैठे बैठे उसको घूमने नहीं मिल रहा था ना, वो बोर हो रहा था। और स्टार को आपको दिख रहा होगा ना कि उसको अलग ही गर्मी लग रही थी, तो बोल रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जल्दी जल्दी उसको निकलना है यहाँ से, तो मुझे भी बैठा नहीं जा रहा था इनफैक्ट। और जेविन भी आपको दिख रहा है काफ़ी सैड था, उसको रन करने नहीं मिल रहा था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा अपसेट था। बट एनीवेज बाहर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रही थी, देखने में अच्छा लग रहा था। एंड देन वी रीच्ड फाइनली हमारे डेस्टिनेशन में, त्रिशूर पहुँच गए हम, हमें कैब आया था हमें लेने के लिए, एंड हम जल्दी जल्दी होटल की तरफ निकल गए। होटल पहुँचने में भी हमको 35-40 मिनट्स लग गया क्योंकि उतना दूर था। एंड देन हम फाइनली होटल पहुँच गए, ये त्रिशूर में एक होटल था, वहाँ पे ही एंगेजमेंट पार्टी थी इसलिए सारी बुकिंग यहीं पे की हुई थी, और हम लोग अंकल का वेट कर रहे थे, वो आए एंड देन ही टुक अस टू द रूम, एंड हम लोग अपने रूम में पहुँच के शांति में बैठ गए क्योंकि 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रही थी हमको। एवरीवन, सो फाइनली हम लोग रूम में पहुँच गए, बहुत ट्रेन में बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम लोग फिर काफ़ी ड्राइव करने के बाद हम लोग अभी रूम में पहुंचे, हमने सबने मुंह हाथ धो लिया, फ्रेशन अप हो गए। स्टार यहाँ पे खा रही है अपना चिप्स, तो ये हमारा छोटा सा रूम है जिसमें ये बेड है, वहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे कबर्ड है, और जेवियन यहाँ पे कूद रहा है, टीवी भी है। पानी ला के दिया उन्होंने? दे दिया। ओके। और स्टार यहाँ पे मैड एंगल्स खा रही है। हाउ इज दिस मैड एंगल्स? ये चीज़ है क्या, ये नाचोज है? चीज नहीं है, चीज है, पता नहीं कुछ अजीब टेस्ट कर रहा है, इसके साथ खाओ, ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा। अच्छा है ना? हमारे बहरीन में नाचोस एक दिनार 2 रुपए के मिलते हैं, मतलब 300 रुपए के, और ये 20 रुपए का पैकेट, 300 रुपीज। यस, 300 रुपीज, एंड दिस इज फॉर 20 rupees. Nachos with dip. Zevin, what are you eating? What are you eating? Zevin is happy na? Finally. वो पहले आके थोड़ा सा वो हो गया, तो मैं बता देती हूँ धीरे धीरे, मैं चलो बाहर निकलती हूँ। तो ये हमारा रूम है और बाकी सबका रूम भी यहाँ पे, ये आंटी अंकल सबका रूम है। मैं आपको, मम्मी डोर खोलना, मैं आई हूँ, और मैं आप लोग को हॉल दिखा देती हूँ। ये है कल वाला हॉल, अभी डेकोरेशन बचा हुआ है इसका, कल मैं आपको पूरा दिखा दूँगी, बट दिस इज़ द हॉल।
अभी डेकोरेशन वगैरह बचेगा, रात को जब होगा ना तो मैं दिखा दूंगी आप लोग को। और यहाँ पे हम सब लोग का रूम है, तो आंटी अंकल लोग का रूम वहाँ पे, दो फैमिली का रूम यहाँ पे, और ये हमारा रूम है। सो इस रूम में ठहरे हुए। हाँ मेरे लिए भी, हाँ गर्म पानी है, हाँ कॉफी बना रहे हम लोग, सीजर्स नहीं है हमारे पास। वाओ, सो कॉफी खुल गया। थोड़ा सा डालना मेरे लिए, मैं डाल दूंगी। शुगर है हम लोग कॉफी का डालूंगा, पूरा गिरा दो। वीडियो बनाना, मैंने कॉफी बनाया। वुड बी ब्राइड हाय बोल दो। तो यहाँ पे आने के बाद हम सब ने बहुत अच्छे से गेट टुगेदर किया, बातें की, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम हॉल की तरफ आ गए जहाँ पे इंगेजमेंट की पार्टी होने वाली थी। और हम सब बैठ के डेकोरेशंस देख रहे थे, उनको बता रहे थे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो लास्ट मिनट जो टचअप्स वगैरह चल रही थी वो चल रही थी, और लिंडा भी आई थी। जो मेन हाउस था वो कहीं दूर था, तो लिंडा वहाँ पर ठहरी हुई थी। हम जो सारे गेस्ट आए थे वो होटल में ठहरे हुए थे। तो यहाँ पे मैं लिंडा का ड्रेस भी देख रही थी जो उसने एंगेजमेंट के लिए बनाया था, और उसने मुझे इनफैक्ट फ़ोटो भेजा था, बट मैंने जो पर्सनली अभी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। नाइस, वेरी नाइस, कलर इज वेरी प्रिटी। बाय डार्लिंग, सी यू टुमारो, लेट्स बी योर आफ्टर दो। എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കും. ബൈ ബേബി, സീ യു ടുമോറോ, ബൈ बाय 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 एवरीवन। सो अभी हम लोग गो वे शूज, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर खाने के लिए। लिंडा अभी गई है, वेट 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 वे शूज, और लिंडा देवी के लिए बलून लेके आई है। तो गप्पे मारते मारते इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि हम डिनर के बारे में भूल ही गए। रेस्टोरेंट 10 o'clock तक ही था, तो हम लोग लास्ट मोमेंट में जल्दी जल्दी गाय करके हम लोग डिनर खाने जा रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली डिनर तो खाना था। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हम सब जितने लोग थे सब मिल के गए। जस्ट फिनिश्ड विद द लंच डिनर, हमने बस अभी डिनर खाया है और अब हम लोग रूम की तरफ जा रहे हैं। डिनर में काफ़ी सारे लोग थे तो मैंने वीडियो दिया नहीं, पर बहुत कुछ था खाने के लिए। तो फाइनली डिनर वगैरह ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं पूरा रेस्टोरेंट ही एम्प्टी था। मतलब हम लोग .10 को पहुँचे थे, हमने ऑर्डर खाना वगैरह सारा ऑर्डर कर लिया, फिर आराम से खाए। तो आई थिंक 11 o'clock तक हम बैठ के खा रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग सब लोग लॉबी में आके बैठ के चिल आउट कर रहे थे। तो लॉबी भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका था। तो केरला का यही क्लाइमेट है कि मतलब शाम होते साथ ही सब खाली खाली होने लग जाता है। और यहाँ पर जेवियन को कुछ अजीब और गरीब स्ट्रक्चर दिख रहे थे, तो वो उसको देख रहा था। और ऐसे ही हम लोग ने अपना दिन वगैरह ख़त्म किया, डिनर खाया, इन्जॉय किया, और फिर अपने रूम में आके सो गए, जहाँ पे जेवियन बिल्कुल नहीं सोया था, क्योंकि नई जगह देख के वो सोता नहीं है, तो उसको बहुत टाइम लग गया सोने में और हमारा दिन बहुत ख़राब था। सो गाइस, मैं और स्टार रात को एडिटिंग करने आए थे बाहर, मुझे वॉइस ओवर करना था, तो मैं अपना लैपटॉप लेके आई हूँ। तो यार, तो हम लोग स्टेशनरी जो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वो वाला वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है फाइनल क्लीनिंग और हॉल का डेकोरेशन चल रहा है। तो बलून्स वगैरह भी हैंग कर ली इन लोगों ने, और अंदर काम चल रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रही है, हाँ कुछ नहीं दिख रहा है, पर बाहर के बलून्स वगैरह दिख ही रहे होंगे। कल मैं आप लोगों को पूरा टूर दिखाऊँगी। ओके, यस वी आर हियर ओनली ना। चलो गाइस, 12 o'clock हो रहा है, सब छोड़ चुके होंगे। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा डे वन ऑफ ट्रैवलिंग विद किड्स एंड एवरीबॉडी, और उसके बाद नेक्स्ट डे था एंगेजमेंट। आई होप एंगेजमेंट के भी वीडियोस ढंग के बने होंगे, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको इसको लाइक करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए। आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।